नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बता रही हूँ वीट फ्लोर से यानी गेहूं के आटे से ऑल पर्पस फ्लोर यानी मैदा कैसे बनाएं। तो ये देखिए, ये मैंने बना के यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत बढ़िया बनती है ये, और टेस्ट में भी कोई अंतर नहीं आता। तो मार्केट की मैदा कई बार अपन लाते हैं तो मन करता है इस्तेमाल करें ना करें, तो इस तरीके की मैदा आप ज़रूर बनाइए जो शुद्ध तो हो ही साथ में पौष्टिक भी हो। तो ये देखिए, जो ब्रेड बनाई है मैंने आपको दिखाती हूँ, तो ये मैंने इसी मैदा से बनाई है, घर की मैदा से ही। तो देखिए कितनी बढ़िया बनी है। साइज़ थोड़ा छोटा है क्योंकि मेरा मोल्ड थोड़ा छोटा था, तो देखिए कोई अंतर नहीं है स्वाद में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरीके का आपको एक बर्तन ले लेना है। आप इसकी जगह एक परात भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा ऊँचा बर्तन हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसको आपको अच्छे से कपड़े से ऐसे कवर कर लेना है। कपड़ा आपका थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, एकदम पतला नहीं ज़्यादा होना चाहिए। तो बस इस तरीके से आपको इसको पूरा कवर करके और पीछे से अच्छे से टाइट करके आप नॉट लगा सकते हैं। मैं नॉट नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे आदत है, तो मैं इसको अच्छे से फोल्ड करके पीछे से प्लेटफॉर्म पर अच्छे से रख दूंगी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ गेहूँ का आटा। तो आपको आटा थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, जितना बर्तन का आपका स्पेस हो उतना ही आपको आटा डालते जाना है। और ऐसे हाथ से अच्छे से आपको दबा के इसको छानना है। आप छानने के लिए चाहे हाथ नहीं करें तो आप इस्तेमाल तो आप चम्मच से या कटोरी से भी छान सकते हैं। ये जो ऊपर का निकला है ये भी आप किसी भी काम में ले सकते हैं इसको। चाहे तो जो अपन रोटी बनाते हैं उसमें थोड़ा सा डाल के पहले से उसको थोड़ा सा फुला के रख दें और फिर उसकी रोटी बना लें। तो इस तरीके से आपको मैदा निकालना है। बहुत ही जल्दी निकल जाती है ये, मतलब। और जब आपको बनाना हो कोई भी चीज़, तुरंत आप बनाइए मैदा और तुरंत आप डिश बना लीजिए। कोई स्टोर करने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको स्टोर करना है तो आप इसको स्टोर भी आराम से कर सकते हैं, कोई कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं इसमें। तो देखिए कितनी बढ़िया छन के तैयार हुई है ये मैदा। तो इससे आप कोई भी डिश, पास्ता, पिज्ज़ा, बर्गर, ब्रेड कुछ भी बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरे पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।